हेलो डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है गौर फिक्र स्टडीज पे जारी होगा। आज हम एक न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 4, लेक्चर 4.1। टाइटल ऑफ द चैप्टर इज वर्क एंड एनर्जी। चैप्टर 1 में क्या था? मेजरमेंट। चैप्टर 2 में क्या था? टॉर्क एंड इक्विलिब्रियम। चैप्टर 3 में क्या था? मोशन एंड फोर्स। आज के चैप्टर में क्या है? वर्क एंड एनर्जी। जब भी नया चैप्टर शुरू करें, पहले वाले चैप्टर का नेम एंड टाइटल रिकॉल करें। हो सके तो उनके टॉपिक को भी, जो मेन टॉपिक हैं, डेफिनेशन है, लॉज हैं, इक्वेशंस हैं, वो भी रिकॉल करें। इस तरह आपके जहन में फिजिक्स के चैप्टर के बारे में एक समरी खुद ब खुद बनती चली जाएगी। आज का टॉपिक 4.1 लेक्चर में टॉपिक है वर्क। वर्क एक ऐसा टॉपिक है जिसको हम लिखते भी हैं, याद भी करते हैं। मजे की बात है, पता नहीं होता ये है क्या, लिख भी लेते हैं, पढ़ भी लेते हैं, बल्कि असाज़ा कराम हम लोग पढ़ा भी लेते हैं, लेकिन हमें पता नहीं होता कि वर्क है क्या। एनर्जी की डेफिनेशन आपने पढ़ी थी शुरू शुरू में, जब हमने फिजिक्स की डेफिनेशन पढ़ी थी उस वक्त ही एनर्जी की डेफिनेशन पढ़ी थी कि एनर्जी जो है एबिलिटी ऑफ बॉडी टू एग्जर्ट द फोर्स। उसमें भी ये बात आई थी, एबिलिटी ऑफ बॉडी टू डू वर्क। देखें आज वही वर्क पढ़ रहे हैं कि वर्क है क्या। एनर्जी दर हकीकत एक बॉडी की सलाहियत है। कैसे पता चलता है बॉडी में एनर्जी है? अगर वो फोर्स लगा सकता है किसी बॉडी के ऊपर। फोर्स जब लगती है, बड़ी खास बात अब आप बता रहा हूं आपको, फोर्स जब लगती है तो एनर्जी ट्रांसफर होती है। तो वर्क की डेफिनेशन अक्सर क्या है? दिस इज अ प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। वर्क की जो डेफिनेशन है, अ प्रोसेस ऑफ एनर्जी ट्रांसफर। एनर्जी एक बॉडी से दूसरे बॉडी में शिफ्ट होती है। इसके कई प्रोसेस हैं, कई तरीके हैं, नंबर ऑफ वेज हैं, नंबर ऑफ मेथड्स हैं। वन ऑफ देम इज वर्क। पहले तो जहन में यह बात बिठाएं, वर्क है क्या, अ प्रोसेस ऑफ एनर्जी ट्रांसफर। अब आगे देखें उस प्रोसेस में क्या होता है। दो चीजें होती हैं, By applying some force through some displacement। इस प्रोसेस में फोर्स लगती है बॉडी के ऊपर और बॉडी कुछ फासला तय करता है। फिर सुने पहली बात कि वर्क है क्या। एनर्जी के ट्रांसफर का एक प्रोसेस है, एक अमल है, एक तरीका है। क्या तरीका है? उसमें फोर्स है और डिस्प्लेसमेंट। दिस इज अ प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी बाई अप्लाइंग सम फोर्स थ्रू सम डिस्प्लेसमेंट। ये होगी वर्क की डेफिनेशन। अब वर्क कितना हुआ, इसका मकसद क्या है, एनर्जी कितनी ट्रांसफर हुई। वर्क असल में एनर्जी ट्रांसफर का एक प्रोसेस है। जब हम कहते हैं वर्क इज डन, इसका मकसद एनर्जी से ट्रांसफर। अब कितनी एनर्जी ट्रांसफर होगी, ये इक्वेशन। आपको याद है डॉट प्रोडक्ट ऑफ वर्क में आपने ये एग्जांपल पढ़ी थी, डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स में वर्क इज इक्वल टू एफ डॉट डी। इससे बहुत सारी चीजों का पता चल गया आपको। एक तो पता चल गया वर्क इज इक्वल टू एफ डी कॉस। दूसरा आपको यह पता चल गया कि वर्क में फोर्स और डिस्प्लेसमेंट। तीसरा आपको पता चल गया वर्क इज स्केलर क्वांटिटी। कितना वर्क हुआ, पुट द वैल्यू ऑफ एफ, पुट द वैल्यू ऑफ डी एंड पुट द वैल्यू ऑफ थीटा। तीन चीजें आप पुट करेंगे
आपको पता चलेगा कि वर्क हुआ है, कितना हुआ है। ये फिर आगे थोड़ा सा आप डिस्कस करेंगे कि वो पॉजिटिव वर्क है, नेगेटिव वर्क है, जीरो वर्क है। फिलहाल आपके पास इक्वेशन आ गई W इक्वल टू एफ टी कॉस थीटा, इसको हमने इक्वेशन वन कहे। ये फर्ज करें ये बॉडी है, ये हमारे पास एक बॉडी है, ये इसके ऊपर हम यू फोर्स लगा रहे हैं और बॉडी यू जा रहा है, ये फोर्स की डायरेक्शन में। जैसे बाद वक्त बच्चे किसी खिलौने को धागा बांध के खींच रहे होते हैं, या ग्रास कटर वाला मशीन के ऊपर यू फोर्स लगाता है, मशीन यू जा रही होती है। रेडी वाला रेडी के ऊपर यू फोर्स लगा रहा होता है, रेडी यू जा रही होती है। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में एंगल बनता है, थीटा इज द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। फोर्स डिस्प्लेसमेंट के साथ, डिस्प्लेसमेंट फोर्स के साथ, एफ डी कॉस थीटा। अब इसमें मैंने आप जैसे बताया कि वर्क स्केलर क्वांटिटी, यूनिट वर्क का क्या होगा, फोर्स का यूनिट डिस्प्लेसमेंट का यूनिट, फोर्स का यूनिट न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट का मीटर। न्यूटन मीटर को जौल कहते हैं क्योंकि असल में एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, यूनिट ऑफ एनर्जी इज जौल, इसीलिए वर्क का यूनिट भी जौल। वर्क का यूनिट भी जौल, एनर्जी का यूनिट भी जौल। इतना वर्क हुआ यानी इतनी एनर्जी शिफ्ट हुई। अब कुछ बातें हैं इस इक्वेशन से आपको नजर आ रही हैं। वर्क इज पॉजिटिव फॉर थीटा इज मोर लेस देन 90। ये जो थीटा है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में, अगर ये 90 से कम हो तो इसमें फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक ही डायरेक्शन में तकरीबन तकरीबन रहते। वर्क इज पॉजिटिव फॉर थीटा इज लेस देन 90। जिस बॉडी के ऊपर फोर्स लग रही होती है उसकी एनर्जी में इजाफा हो रहा है, पॉजिटिव वर्क का मकसद। नोट इट, वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट। हम लिख देते हैं वर्क इज पॉजिटिव, क्या हमें पता भी है कि पॉजिटिव वर्क का फिजिकल सिग्निफिकेंस है क्या? इससे मुराद क्या है? इससे मुराद है जिस बॉडी के ऊपर वर्क हो रहा है एनर्जी उसकी तरफ शिफ्ट हो रही है, उसकी एनर्जी में इजाफा हो रहा है। पॉजिटिव वर्क मीन्स द एनर्जी ऑफ द बॉडी इज इंक्रीज, वर्क इज नेगेटिव फॉर थीटा इज मोर देन 90। थीटा इज मोर देन 90 का मकसद है फोर्स डिस्प्लेसमेंट के को रेजिस्ट कर रही है, उसके अपोजिट जा रही है। नेगेटिव, नेगेटिव वर्क का मकसद एनर्जी ऑफ द बॉडी इज डिक्रीज, जिसके ऊपर आप फोर्स लगा रहे हैं उसकी एनर्जी में कमी आ रही है। वर्क हो रहा है उसकी एनर्जी में, अब देखें एनर्जी बढ़ रही है, बॉडी की एनर्जी में इजाफा हो रहा है। एनर्जी कम हो रही है, जिसके ऊपर आप फोर्स लगा रहे हैं उसकी एनर्जी में कमी आ रही है। जैसे आप ब्रेक लगाते हैं गाड़ी को, बाल ऐसे जा रहा है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अपोजिट है, नेगेटिव वर्क। पॉजिटिव वर्क कब होगा, पॉजिटिव वर्क का मकसद क्या है, नेगेटिव वर्क कब होगा, नेगेटिव वर्क का मकसद क्या है। बड़ी जबरदस्त बात, वर्क इज जीरो फॉर थीटा इज 90 डिग्री। फोर्स भी लग रही है, फोर्स भी लग रही है, डिस्प्लेसमेंट भी है, वर्क नहीं है। क्यों? एनर्जी ट्रांसफर नहीं हो रही। मैं एक बाल्टी उठा के ये ऐसे ही इस बाल्टी को मैं फोर्स ऊपर लगा रहा हूं, बाल्टी यू जा रही है। अब मैं ये बाल्टी उठा के ये चल रहा हूं, फोर्स में ऊपर लगा रहा हूं, बाल्टी यू जा रही है, बाल्टी की एनर्जी में कोई चेंज नहीं। मैं सर के ऊपर कोई चीज रख के मैं चल रहा हूं, ईंटें उठा के चल रहा हूं, फोर्स ऊपर लगा रहा हूं, जा हम यू रहे हैं, तो ईंटों की एनर्जी में कोई चेंज नहीं आ रही। वर्क सिर्फ फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का नाम नहीं है, वर्क तो एनर्जी ट्रांसफर है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट जरिया है। अगर एनर्जी शिफ्ट हो रही है तो वर्क है, वरना यह नहीं है कि फोर्स है डिस्प्लेसमेंट है तो वर्क है। नो, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के जरिए एनर्जी शिफ्ट हो रही है तो वर्क है। थीटा इज लेस देन 90,
बॉडी की एनर्जी में इजाफा हो रहा है, पॉजिटिव वर्क। थीटा इज मोर देन 90, बॉडी की एनर्जी में कमी हो रही है जिसके ऊपर फोर्स लग रही है। वर्क इज नेगेटिव, थीटा इज 90, बॉडी की एनर्जी में ना इजाफा हो रहा है ना कमी हो रही है, वर्क इज जीरो। मैक्सिमम वर्क कब होगा? व्हेन थीटा इज जीरो डिग्री, उस वक्त ज्यादा से ज्यादा एनर्जी शिफ्ट हो रही हो, ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम वर्क। ये आपको पता हो पॉजिटिव वर्क क्या है, जीरो वर्क क्या है, नेगेटिव वर्क क्या है, मैक्सिमम वर्क क्या है। ये जो हम लिख रहे हैं वर्क, जब लफ्ज वर्क है इसका मकसद होता है बाई कॉन्स्टेंट फोर्स, बाई कॉन्स्टेंट फोर्स। ये लिखा जाए या ना लिखा जाए कोई फर्क नहीं, यानी जितना डिस्प्लेसमेंट तय किया बॉडी ने उस वक्त फोर्स कांस्टेंट रही जो भी वैल्यू थी। अगर हम ग्राफ ड्रा करें, ये फोर्स है और ये डिस्प्लेसमेंट है, तो फोर्स की वैल्यू देखें फिक्स है। इसका हम एरिया लें इस ग्राफ का, ऐसे कहते हैं फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ, ग्राफ बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। इसका एरिया क्या बनेगा? वन साइड ओ ए इंटू अदर साइड ओ बी, दिस एरिया गिव्स द वर्क। ये था वर्क बाई कॉन्स्टेंट फोर्स। लेकिन जरूरी नहीं है जब बॉडी डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा हो फोर्स उसके ऊपर कांस्टेंट हो, फोर्स तब्दील भी होती है। फर्ज करें हम एक रॉकेट को ऊपर लेके जा रहे हैं, जैसे जैसे ऊपर जाते हैं तो फोर्स जो है वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स है, तो फोर्स चेंज होती रहती है, ग्रेविटी जो जो फासला बढ़ता जाएगा ग्रेविटी कम होती जाएगी। बाज़ औक़ात हम स्प्रिंग के साथ बॉडी होता है उसको हम खींचते हैं तो स्प्रिंग भी हमें खींचता है, फिर हम ज्यादा फोर्स लगाते हैं स्प्रिंग और लगाते हैं हम, तो स्प्रिंग के साथ बॉडी अटैच है, हम उसके ऊपर वर्क कर रहे हैं, वो भी फोर्स कांस्टेंट नहीं रहती। अगर फोर्स कांस्टेंट ना रहे तो क्या करें? वर्क बाई वेरिएबल फोर्स। उसका बड़ा आसान तरीका है कि थोड़े से फासले में फोर्स जो है उसका अलग वर्क मालूम करें, फिर और फासले के लिए अलग करें, फिर और फासले के लिए, फासले को थोड़े थोड़े टुकड़ों में तकसीम करें। जो फासला है, मिसाल के तौर पर बॉडी को अब ओ से ए तक ले गए, ये फासले में फोर्स एफ वन थी, इसमें फोर्स एफ टू थी, इसमें फोर्स एफ थ्री थी, फोर्स भी चेंज होती गई, तो हर टुकड़े का वर्क अलहदा कैलकुलेट करें। When force varies with time and displacement, जब फासले के साथ साथ फोर्स चेंज हो रही है, कम हो रही है या बढ़ रही है, जो भी है, फिर कैसे मालूम करेंगे? फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर डिवाइडेड इन टू पार्ट, फिर फोर्स के भी जो फासला है उसके टुकड़े कर लेंगे, हर टुकड़े पे फोर्स की वैल्यू अलग होगी। टोटल वर्क कैसे होगा? टू कैलकुलेट द टोटल वर्क, द वर्क्स आर डिवाइडेड, वो छोटे छोटे जो वर्क हैं उनको जमा कर दिया जाए। फॉर्मूला वही है एफ डॉट डी, ये डब्ल्यू वन एफ डॉट डेल यू कर दे, बल्कि ज्यादा बेहतर ये होगा कि वर्क टोटल इज इक्वल टू वर्क वन, वर्क टू, वर्क थ्री एंड सो ऑन। अब देखें वर्क वन में एफ डॉट डेल डी वन, वर्क टू में एफ डॉट डेल डी, वर्क थ्री एफ थ्री डॉट डेल थ्री, फिर इनको जमा कर लो, एफ वन डेल डी वन कॉस थीटा वन, एफ टू डेल डी टू कॉस थीटा टू। ये सिग्मा, सिग्मा का मकसद है कि हमने इनको, ये समेशन जमा के लिए होती है, इसको अगर खोलेंगे तो ये बन जाएगा एफ वन डेल डी वन कॉस थीटा वन, फिर प्लस एफ टू डेल डी टू कॉस थीटा टू, प्लस एफ थ्री डेल डी थ्री कॉस थीटा थ्री एंड सो ऑन। यहां क्या लिखा? एफ आई डेल डी आई कॉस थीटा आई। आई क्या चीज है? वेरिएबल, वन से एन तक। अगर ये चार टुकड़े हैं तो एन की वैल्यू चार हो जाएगी, पांच टुकड़े हैं तो एन की वैल्यू पांच हो जाएगी, छह टुकड़े हैं तो एन की वैल्यू छह हो जाएगी। ग्राफ को देखें, फोर्स कांस्टेंट नहीं है, यहाँ फोर्स कुछ है, यहाँ कुछ है, यहाँ कम हो गई, यहाँ कम हो गई, यहाँ बढ़ गई, यहाँ फिर बढ़ गई, यहाँ फिर बढ़ गई, यहाँ कांस्टेंट। तो देखें हर हर टुकड़े के लिए
इसका एरिया अलग लेंगे, इसका एरिया अलग लेंगे, इसका एरिया अलग लेंगे, इसका एरिया अलग लेंगे, हर एरिया का अलग लेके टुकड़े का एरिया उनको जमा करेंगे, दैट विल गिव द टोटल वर्क। तो आप देखें सबसे पहली बात वर्क क्या है, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, एनर्जी ट्रांसफर का एक प्रोसेस, एक जरिया, उसमें क्या है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट। इक्वेशन क्या है एफ डॉट डी, एफ डी कॉस थीटा, पॉजिटिव वर्क है, कांस्टेंट फोर्स है, तो एक दफा आप ये इक्वेशन लिखेंगे। अगर हर टुकड़े में फोर्स की वैल्यू चेंज हो रही है तो हर टुकड़े का वर्क आप अलग कैलकुलेट करेंगे। फिर खास बात, वर्क इज ए प्रोसेस ऑफ एनर्जी ट्रांसफर, नंबर वन। नंबर टू इक्वेशन एफ डी का सीटा। नंबर थ्री यूनिट न्यूटन मीटर इक्वल टू जॉल। जॉल पॉजिटिव वर्क मीन, नेगेटिव वर्क मीन, जीरो वर्क मीन, मैक्सिमम वर्क मीन, ये आपको पता होना चाहिए। पॉजिटिव वर्क जिस पे फोर्स लग रही है उसकी एनर्जी में इजाफा हो रहा है, नेगेटिव वर्क जिस पे फोर्स लग रही है उस बॉडी की एनर्जी में कमी आ रही है, जीरो वर्क यानी उसकी एनर्जी में कोई चेंज नहीं है यानी वर्क हो भी नहीं रहा, और मैक्सिमम वर्क यानी ज्यादा से ज्यादा एनर्जी शिफ्ट हो रही है। तो ये था वर्क एंड इट्स यूनिट एंड इक्वेशन। उम्मीद है आप इन दो तीन चीजों को बार बार जहन में लाएंगे तो आपका कंसेप्ट और बहुत अच्छा होगा। थैंक यू वेरी मच।